आज हमें पता है कि लाइट की स्पीड कितनी है, लेकिन 16वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि लाइट की कोई स्पीड नहीं होती। लाइट जहां चाहे जब चाहे वहां बिना समय बर्बाद किए जा सकती है। लाइट ब्रह्मांड के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जीरो समय में जा सकती है। लेकिन गैलीलियो को यह बात कुछ हजम नहीं हुई। उन्हें यह लगता था कि यह कैसे हो सकता है कि किसी चीज की स्पीड अनंत हो, क्योंकि यह तो फिजिक्स के नियमों के खिलाफ है। और अपनी इसी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने लाइट की स्पीड निकालने की एक योजना बनाई। वो अपने एक दोस्त के साथ ढक्कन वाली लालटेन को लेकर किसी पहाड़ी पर चले गए। उन्होंने अपने दोस्त को खुद से एक मील दूर स्थित पहाड़ी की चोटी पर खड़ा कर दिया और खुद दूसरी चोटी पर खड़े हो गए और अपने दोस्त से ये कहा कि जैसे ही तुम्हें लालटेन का प्रकाश दिखाई दे, तुम भी अपनी लालटेन का ढक्कन हटा देना। तो दूरी हमें पता होगी, समय हम घड़ी की मदद से माप कर प्रकाश की स्पीड को माप लेंगे। अच्छा, कई बुद्धिजीवियों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि पहली घड़ी तो 18वीं सदी में बनी थी, तो उन्होंने टाइम कैसे मापा? तो उनको ये बता दूं कि गैलीलियो ने खुद टाइम मेजरमेंट के लिए पुल्स लोगन नाम का एक उपकरण बनाया था जो पेंडुलम के सिद्धांत पर कार्य करता था। खैर, हम अपने प्रयोग पर आते हैं। तो उनके दोस्त ने ठीक वैसा ही किया जैसा गैलीलियो ने कहा था, लेकिन बदकिस्मती से उनका यह प्रयोग काम नहीं कर पाया, क्योंकि भले ही उनके दोस्त ने लालटेन के प्रकाश को देखते ही अपनी लालटेन का ढक्कन गिरा दिया, लेकिन उसे कुछ ना कुछ समय तो लगा ही था। और गैलीलियो के ढक्कन हटाने के 0.0005 सेकंड के अंदर उनके दोस्त को लालटेन दिखाई देने लग गया था। कितने समय बाद उसे लालटेन का प्रकाश दिखाई दिया, ये आज हमें पता है, लेकिन गैलीलियो का जो टाइमर था वो 0.05 सेकंड से कम समय नहीं दिखा पाता था। तो उसके लिए समय का इतना छोटा मान मेजर करना नामुमकिन था। यही कारण था कि गैलीलियो का प्रयोग असफल रहा। और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक बार ही प्रयोग किया था, उन्होंने इस प्रयोग को बहुत दूरी तक भी दोहराया था, लेकिन वो उतने कम समय को मेजर नहीं कर पाए। उस समय गैलीलियो ने अपनी बुक में लिखा था कि कम दूरी होने के कारण अभी लाइट की स्पीड को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम चांद पर एक मिरर रख दें और फिर उस पर लाइट डालकर लाइट की स्पीड निकालने की कोशिश करें तो शायद हम सफल हो सकते हैं। इस प्रयोग के बाद दुनिया के अलग अलग कोनों में ऐसे ही प्रयोग होते रहे, लेकिन किसी को लाइट की स्पीड नहीं मिल पाई। लोग अपनी अपनी स्पीड निकाल रहे थे और ताजुब की बात यह थी कि किसी की भी स्पीड दूसरे प्रयोग से मेल नहीं खा रही थी। यही सिलसिला आने वाले कई सालों तक चलता रहा। लेकिन इन सब प्रयोगों से दूर एक एस्ट्रोनॉमर बस जुपिटर और उसके मून देखकर खुश था। डेनिश एस्ट्रोनॉमर ओल रोमर जुपिटर के एक मून आयो की स्टडी करने में बिजी था। उसने ये पाया कि आयो सिर्फ 1.76 दिन में जुपिटर का एक चक्कर लगा लेता है, तो उसने सोचा क्यों ना इसकी मदद से आयो की स्पीड निकाली जाए। लेकिन जब उसने कई महीनों तक इस पर नजर रखी तो ये पाया कि आयो साल के अलग अलग महीनों में अलग अलग समय पर दिखाई देता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक ही मून एक ही ग्रह के चारों तरफ अलग अलग स्पीड से कैसे चक्कर लगा सकता है? इसके बारे में उन्होंने बहुत रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इसका कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला। लेकिन एक दिन ऐसे ही उन्होंने जुपिटर और उसके मून को धरती की कक्षा से जोड़कर समझने की कोशिश की, तो उन्हें एक चीज समझ में आई कि जब हमारी धरती जुपिटर के नजदीक होती है तो आयो तेजी से गति करने लगता है, और जब धरती जुपिटर से दूर होती है तब आयो धीरे धीरे गति करता है। लेकिन हमारी धरती जुपिटर से बहुत दूर है, तो धरती की वजह से जुपिटर और उसके मून पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर उन्होंने इस समस्या को लाइट की स्पीड से जोड़ना शुरू किया। उनका ये अनुमान बिल्कुल सही था। अब उनको ये बात समझ में आ चुकी थी कि आयो की स्पीड नहीं बदलती, बल्कि जब जुपिटर पृथ्वी से दूर होता है तो उसके प्रकाश को हम तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है, तो हमें वो लेट दिखाई देता है। लेकिन वहीं जब जुपिटर पृथ्वी के नजदीक होता है तो उससे प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कम समय लगता है। इसलिए जब धरती नजदीक होती है तो आयो पहले दिखाई देता है, और जब धरती उससे दूर होती है तो आयो बाद में दिखाई देता है। हालांकि रोमर लाइट की स्पीड के प्रयोगों में घुसना नहीं चाहते थे, लेकिन अचानक उनको भी लाइट की स्पीड निकालने का आइडिया आया। उन्होंने दूरी के उस अंतर को निकाला जब जुपिटर पृथ्वी से सबसे दूर और सबसे पास होता है, और इस घटना में टाइम में कितना अंतर आता है ये दोनों निकालने के बाद उन्होंने लाइट की स्पीड को निकाला जो करीब 2,10,000 किलोमीटर पर सेकंड थी। हाँ, मुझे पता है ये लाइट की एक्यूरेट स्पीड के आसपास भी नहीं है, लेकिन ये पहली बार था जब लाइट की स्पीड को इतने अच्छे तरीके से मेजरमेंट किया गया था। फिर जैसे जैसे टाइम निकलता गया, अच्छे उपकरण आ जाने से और ग्रहों की गति हमें बेहतर तरीके से मालूम होने के कारण हमने लाइट की स्पीड को और ज्यादा अच्छे तरीके से माप लिया। आज हमें पता है कि लाइट की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड होती है। और ऐसा भी नहीं है कि गैलीलियो के प्रयोग को भुला दिया गया जिसे गैलीलियो ने अपनी किताब में लिखा था। जब हमने स्पेस मिशन करने में थोड़ी कामयाबी हासिल कर ली तो एक मिरर को चांद की सतह पर रखा गया और उस पर लेजर से प्रकाश डाला गया।
उस लेजर के प्रकाश को वापस धरती तक आने में 2.5 सेकंड का समय लगता है। तो इस तरीके से भी लाइट की स्पीड को बहुत अच्छे तरीके से मेजर किया जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लाइट की स्पीड निकालने में हमें 300 से ज्यादा साल लग गए। तब जाकर हमें पता चला कि लाइट एक सेकंड में लगभग 300,000 किलोमीटर तक चली जाती है। तो आज आपके लिए एक सवाल है कि लाइट की स्पीड हमें मालूम है तो लाइट को सूर्य की कोर से हमारी धरती तक आने में कितना समय लगता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको इसका जवाब नहीं मिला तो जल्द ही इस पर नया वीडियो डाल दिया जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।